नमस्कार, आप देख रहे हैं यस टीवी। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल प्रदेश भर के युवाओं को संकल्प, चित्रवान और निडरता के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि बचपन और बुजुर्ग अवस्था में हम समाज से कुछ लेते ही हैं, लेकिन समाज में कुछ योगदान युवाओं में कर सकते हैं। ऐसे में युवाओं में अशिक्षा, अस्वच्छता और गरीबी जैसी बुराइयों से लड़कर समाज में अपना योगदान देना चाहिए। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल रविवार को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर लघु सचिवालय स्थित सरल केंद्र में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपना संदेश दे रहे थे। और आज मैंने सीएम सर की जो स्पीच सुनी, उससे मैंने सीखा कि जो सरकार है वो बहुत ज़्यादा यूथ के लिए काम कर रही है, उनको नौकरियां दे रही है। उनका मकसद है कि जो सब हैं, जो बेरोज़गार है, उनको भी नौकरियां मिले, सबको मौका मिले काम करने का देश के लिए। और हमारा जो एक युवा का जो मकसद होना चाहिए, देश में कंट्रीब्यूट करने का होना चाहिए, ना कि ईर्ष्या भावना का या एक दूसरे से कॉम्पिटिट करने का होना चाहिए। यूथ डे मनाया जा रहा है, यूथ डे पर किस तरह से इसको फलीभूत किया जा सकता है, यूथ कैसे सपनों को साकार कर सकते हैं? हमें उन्हें भविष्य के बारे में अच्छी अच्छी योजनाएं बतानी चाहिए और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए जितनी भी योजनाएं मुख्यमंत्री जी ने आज हमें इंट्रोड्यूस करवाई, वो सभी भविष्य के युवा पीढ़ी के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी हैं। उन्होंने बताया कि आज के दिन युवा को मतलब रोज़गार से रिलेटेड जो बातें उन्होंने हमें बताई कि वो उनकी शिक्षा के दम पर ही मिलती है उनको उनका टेस्ट लिया जाता है, बार बार टेस्ट लिया जाता है। उनकी उपलब्धताओं के बारे में बताया कि उन्होंने नकली डिग्रियाँ भी हासिल की हैं, बट नकली डिग्रियों का उन्हें कोई बेनिफिट नहीं मिलता क्योंकि उनका बार बार टेस्ट लेकर के उन्हें रोज़गार दिया जाता है, जो उनके लिए आज के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। भिवानी से अमन शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए यस टीवी।